है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमिक, नॉवल, मैगजीन जैसे बुक को तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और उन्हें बहुत सारा कुछ याद भी हो जाता है, उनकी स्टोरीज याद हो जाते हैं। लेकिन जब वो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो ना तो फिर उन्हें कुछ समझ आता है और ना ही कुछ याद हो पाता है, और इसलिए वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर उन्हें क्वेश्चन का आंसर रट्टा मारना पड़ता है। एक्चुअली टेक्स्ट बुक रीड करने में जो हम सब एक बहुत बड़ा गलती करते हैं कि हम टेक्स्ट बुक को भी न्यूज़पेपर की तरह या नॉवल की तरह पढ़ते हैं, फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, लाइन बाई लाइन। बट ये तरीका टेक्स्ट बुक के लिए इफेक्टिव नहीं है। टेक्स्ट बुक कोई नॉवल तो नहीं है, सो इसे नॉवल की तरह पढ़ना भी नहीं चाहिए। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे तो आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर पाओगे, जस्ट लाइक ए स्पॉन्ज। सो इस वीडियो को देखने से पहले अपने पास एक पेन पेपर जरूर रख लीजिए, ताकि जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ आप उसे नोट डाउन कर सको, ताकि आप उसे बाद में फॉलो कर सको। स्टेप नंबर 1, फ्लिप थ्रू ईच पेजेस। सबसे पहले चैप्टर ओपन करो एंड टर्न ईच पेजेस। कुछ भी रीड मत करना, जस्ट ऑब्जर्व करो। चैप्टर में जो भी पिक्चर्स है, डायग्राम है, बस उन्हें देखो। इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि चैप्टर कितना बड़ा है, चैप्टर किस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, चैप्टर में क्या इंटरेस्टिंग कुछ भी है जो तुम्हें पसंद हो। ये तुम्हें क्यूरियस बनाएगा और तुम्हारे अंदर उस चैप्टर को समझने की इच्छा जगाएगा, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हम सब बिना डिजायर के टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, बस नंबर लाने के लिए, इसलिए हम लोग मैक्सिमम टाइम रट्टा मारते हैं। लेकिन डिजायर पैदा होने के बाद आप नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ोगे, जानने के लिए पढ़ोगे, समझने के लिए पढ़ोगे, कुछ सीखने के लिए पढ़ोगे। स्टेप 2, एंड क्विज। पूरे चैप्टर को ऑब्जर्व करने के बाद चैप्टर के एंड में चले जाओ विदाउट रीडिंग एनीथिंग फ्रॉम द चैप्टर। टेक्स्ट बुक को अगर दूसरे बुक्स जैसे नॉवल से कोई चीज डिफरेंट बनाता है तो वो है क्वेश्चंस। टेक्स्ट बुक में हर चैप्टर के एंड में या कभी कभी तो चैप्टर के बीच में ही क्वेश्चंस दिया रहता है, बट आपको चैप्टर एंड के क्वेश्चंस को अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है। ये क्वेश्चंस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली ऑथर चैप्टर में क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा है और उन इन्फॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इन्हीं क्वेश्चन से पता चल जाता है। क्वेश्चंस को पहले ही पढ़ लेने से ये क्लियर हो जाता है कि चैप्टर में ऑथर किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और आपको समझ आ जाता है कि आपको चैप्टर में क्या सीखने मिलेगा और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। एंड यू नो व्हाट, क्वेश्चंस को पढ़ने से आप में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, और जब आप क्यूरियस हो जाते हो तो आपका ब्रेन बहुत फोकस होकर के परफॉर्म करता है। यू नो, दुनिया के सारे जीनियस बहुत क्यूरियस थे, इसलिए एक बार क्यूरियोसिटी जग गई तो फिर 70% जंग जीत लिया आपने। मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू बी जीनियस लाइक द विंची, आप उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा कि जीनियस लोगों में क्या खास बात होती है, उनकी क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। स्टेप 3, रीड बोल्ड प्रिंट्स। चैप्टर में जितने भी बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए वर्ड्स हैं ना, उन्हें केयरफुली रीड करो। मैंने अब तक चैप्टर को रीड करने को नहीं कहा है, जस्ट रीड द हेडलाइंस, टाइटल्स एंड सब टाइटल्स ओनली। ये सब टाइटल्स और हेडिंग्स चैप्टर को छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन में तोड़ देते हैं, ताकि पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा जा सके कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हो, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, तो आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज माइंड मैपिंग में भी कर सकते हो। नोट कर लो, माइंड मैपिंग नोट्स बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। माइंड मैपिंग के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हाउ टू थिंक लाइक द विंची वीडियो में, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टेप 4, रीड फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस। नाउ चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करने से पहले एक और काम करना है, सारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस रीड करना है। ओनली फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, नॉट द मिडिल पार्ट। पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोडक्शन होता है, और इस सेंटेंस से पता चल जाता है कि पूरे पैराग्राफ में किसके बारे में बात किया जा रहा है, किस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। और लास्ट सेंटेंस सम अप होता है पूरे पैराग्राफ का, और ये फॉर्मेट सारे अच्छे ऑथर यूज करते हैं। सो अब तक आपने चैप्टर को पढ़ा नहीं है, बस खुद को एक आइडिया दिया है कि चैप्टर में क्या है, चैप्टर कितना बड़ा है, चैप्टर के कितने पार्ट्स हैं, और चैप्टर आपके किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। मींस अब तक आपने डॉट्स को कनेक्ट किया है और एक ओवरऑल पिक्चर या मैप क्रिएट किया है, और अब आपका ब्रेन पूरी तरह से तैयार है चैप्टर के इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर, फ्यूचर में अगर आप कोई टेक्स्ट बुक लिखोगे तो आपको इसी फॉर्मेट का यूज करके लिखना होगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी अच्छे ऑथर है जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं वो इसी फॉर्मेट का यूज करते हैं। इसलिए अगर आप इस फॉर्मेट का यूज करके पढ़ाई करोगे तो आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को समझ पाओगे। नाउ स्टेप नंबर 5, अब आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करो और सारे पैराग्राफ्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। इस टेक्निक का यूज करके आप कोई भी टेक्स्ट बुक के चैप्टर को पूरी तरह से समझ सकते हो और इजिली मेमोराइज भी कर सकते हो।
एंड यू नो व्हाई दिस टेक्निक इज सो इफेक्टिव, बिकॉज इस टेक्निक का यूज करने से आप चैप्टर को कम से कम 5 बार रिपीट कर रहे हो, एंड रिपीटिंग इज द मदर ऑफ लर्निंग। रिपीट आफ्टर मी, रिपीटिंग इज द मदर ऑफ लर्निंग। आप जिस चीज को जितना ज्यादा बार रिपीट करोगे आप उसमें बेहतर होते जाओगे। सो अब से टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन मत पढ़ना, जस्ट फॉलो दिस टेक्निक। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके पढ़ाई करो एंड यू विल एब्जॉर्ब द टेक्स्ट बुक लाइक ए स्पॉन्ज। सो दैट्स इट गाइज, अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो मतलब वीडियो अच्छा है तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और कमेंट करके अपने व्यूज बताओ, अपने क्वेश्चंस पूछो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके और मेरा भी। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए विल्सकल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला आइकन जरूर दबा देना ताकि सारा अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।